हाय एवरीवन, सीए ब्रिजेश सिंह हियर। टीवाई बीकॉम कॉस्टिंग में एक टॉपिक है जिसका नाम है ओवरहेड। ओवरहेड के अंदर दो कॉन्सेप्ट है, एक तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने बोलते हैं, वो आपको आता है, मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दूसरा बोलते हैं मशीन आवरली रेट निकालने को। सर, मशीन आवरली रेट क्या होता है? मशीन आवरली रेट आपको बताता हूँ एकदम सिंपल में, आपका भाषा में। जब अपन बेटा किधर साइबर कैफे में जाते हैं ना इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, तो सामने वालों को बोलते हैं इंटरनेट चेक करना है, इंटरनेट है आपके पास? बोला हाँ है ना। तो कितना चार्जेस लेते हैं? तो बोलते हैं एक घंटे का अराउंड 20 रुपये है। एक घंटे का 20 रुपये, मतलब एक घंटा आप इंटरनेट एक्सेस करो आपको 20 रुपये देना है, दो घंटा एक्सेस करोगे तो 40 रुपये देना है, ऐसी इंटू करते जाना 20 रुपये से। अच्छा, जो 20 रुपये आपको दिया है सामने वाले ने, या आपने 20 रुपये मांगा है, वो 20 रुपये के अंदर क्या क्या है? वो जगह है, वो भाड़े पे लिया है, उसका भाड़ा लेना है उसको, वो कंप्यूटर वगैरह लगा है उसका डेप्रिशन लेना है, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो उसका चार्ज लेना है, और आदमी फालतू दिखता है खड़ा है उधर साइबर कैफे के इधर, वो अपना सैलरी वसूल करेगा। तो ओवरऑल सब मिला के 20 रुपये चार्ज किया जाता है आपसे। हमारा कॉन्सेप्ट यही है, वो 20 रुपये आता कैसे, ठीक है ना? तो एक मशीन को अगर आप रखते हो तो मशीन का खर्चा होता है। दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ, मशीन को रखने का खर्चा क्या होता है। आप देखो किधर किधर आप जाते हो रोड बीड साइड में, किधर एटीएम होता है ना। तो बेटा जो एटीएम होता है, एटीएम, तो एटीएम का खर्चा क्या क्या होता है सोचो। एटीएम का खर्चा होता है, पहला वो जगह भाड़े पर लेना, उसका भाड़ा देना है बैंक को, बाद में उसमें कंप्यूटर लगाना है, कंप्यूटर तो लगा दिए, उसमें एसी लगाना है दो, बाद में पता चला उसमें कुत्ते बैठते हैं तो एसी लगाना है, इंटरनेट चालू रखना है, उसका मेंटेनेंस का खर्चा आता है। ओवरऑल सब मिला के एक एटीएम लगाने का खर्चा आता है बैंक को भी, समझे? तो हम सीखने जा रहे हैं आज मशीन आवरली रेट कैसे निकालना है। बहुत ईजी बेटा मशीन आवरली रेट। वीडियो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है, फ्रेंड लोग से शेयर करें कॉलेज में, ओके? और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलो पढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन आपको, सुनो। कैलकुलेट मशीन आवरली रेट, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, नंबर चेंज करके आएंगे, ठीक है? आवाज़ मस्त है ना मेरा, ओके। कैलकुलेट द मशीन आवरली रेट। पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ द मशीन इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस। जो मशीन है ना, कंप्यूटर वगैरह जो भी है, तो बड़े बड़े मशीन है, तो मशीन 11,000 का है, इसका इंस्टॉलेशन मतलब उसको धरती में फिट करने का चार्ज पूरा इंक्लूड है, 11,000 का है। पॉइंट नंबर 2, एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ वर्किंग लाइफ इज 1,000। मतलब आज से 10 साल के बाद जब इस मशीन को बेचोगे तो आपको 1,000 रुपये कोई भी दे देगा। मतलब अपना पैसा कितना फंसा है, मतलब 11,000 का मशीन है, 10 साल के बाद 1,000 रुपये मिल जाएगा, मतलब 10,000 रुपये अपना फंसा हुआ है। तो पहला 2 पॉइंट है ना, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए दिया है। क्या निकालने के लिए दिया है? डेप्रिसिएशन। सेकंड, थर्ड पॉइंट, रेंट रेट्स ऑफ द शॉप पर क्वार्टर इज 900 रुपया। क्वार्टर बोला है, क्या होता है जो डेटा आपको देते हैं ना क्वेश्चन में, कुछ साल का होता है, कुछ मंथली होता है, कुछ क्वार्टरली होता है, कुछ 6 मंथली होता है, आपको सबको एनुअल में लेके आना है, एनुअल मैचिंग। बोलो जानबूझ के उल्टा पुल्टा दें, कभी मंथ का देंगे, कभी क्वार्टरली देंगे। सर क्वार्टर मतलब साल में होते हैं बेटा 4 क्वार्टर, साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो एक क्वार्टर का दिया है, 4 महीने का एक क्वार्टर बनता है। तो बोलता है रेंट जो शॉप का दिए हो ना, वो क्वार्टरली दिए हो 900 रुपया। सुपरवाइजर सैलरी 400 रुपये पर मंथ, देखो पर मंथ दिया है। जनरल लाइटिंग 300 पर मंथ दिया है। इंश्योरेंस 30 पर मंथ दिया है। एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द रिपेयर इज 200 पर एनम। वो मशीन है तो ख़राब होगा ही, तो 200 रुपये पर एनम खर्चा है। 8 और 9 बहुत काम का है, हाईलाइट कर लेना। पावर कंजम्पशन पर यूनिट इज 4। एक यूनिट में, एक घंटे में 4 यूनिट आता है बोलता है। पढ़ो वापस, पावर कंजम्पशन पर आवर इज 4 यूनिट, मतलब एक घंटे में 4 यूनिट कंज्यूम करता है मशीन। और उसका रेट क्या है, हर 100 यूनिट का 5 रुपये बिल आता है। वर्किंग आवर इज 2,000 आवर्स पर एनम। अभी एक गोल्डन वर्ड है, देखो नीचे, मशीन ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द फ्लोर स्पेस,
मिला मशीन ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द फ्लोर ऑफ द शॉप। इसका मतलब लॉजिक कुछ यहाँ देखो, वो बोल रहा है कि एक शॉप है ठीक, दुकान अपना, इसके अंदर चार टुकड़ा कर दो, मतलब आपका मशीन है ना इतना ही एरिया ऑक्यूपाई किया, 1/4 एरिया ही ऑक्यूपाई किया मशीन। आपका जो मशीन है वो 1/4 एरिया ऑक्यूपाई किया है, 1/4। तो 1/4 किसके लिए करने का है? एक तो वो जगह है ना रेंट के लिए करने का, किसके लिए करना है? रेंट के लिए करना है। दूसरा एक रेंट के लिए करना है, दूसरा लाइटिंग के लिए करना है, एंड लाइटिंग के लिए करना है। रेंट के लिए क्यों करना है? अगर बेटा एक रूम में चार लोग रहते हैं, अगर एक रूम में चार लोग रहते हैं और उसका भाड़ा 4,000 है, तो हर एक आदमी अपना भाड़ा देगा ना, अपना शेयर देगा ना, वैसे हमें एक मशीन का निकालना है, चारों मशीन का नहीं निकालना है। तो ये अगर जब जब ऐसा बोलेगा ना मशीन ऑक्यूपाई 1/4 एरिया ऑफ द शॉप, तो रेंट के ऊपर अप्लाई होगा। सेकेंड लाइटिंग के ऊपर भी अप्लाई होगा। जैसा एक रूम में चार लोग रहते हैं और लाइट बिल 4,000 है, तो कोई एक आदमी नहीं देगा, सब लोग शेयर करेंगे ना। तो इसीलिए दो चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है, किसके ऊपर? रेंट और लाइटिंग के ऊपर अप्लाई होता है। पढ़ो फिर से। हाँ सर, मशीन ऑक्यूपाई 1/3 फ्लोर ऑफ द शॉप, अभी 1/3 बोला, 1/3 ठीक, 1/3 फ्लोर ऑफ द शॉप। सुपरवाइजर डिवोट 1/4 ऑफ द टाइम फॉर दिस मशीन। सुपरवाइजर है ना बाकी मशीन को भी देखता होगा, तो 1/4 टाइम इस मशीन को देखता है। देखो नीचे लिखा है जनरल लाइटिंग और रेंट टू बी अपोर्शन, मतलब बांटना है इन द रेशो ऑफ फ्लोर स्पेस। वो फ्लोर स्पेस जैसा दिया है तो वैसे बांट के लेंगे। चलो स्टार्ट करते कैलकुलेशन ऑफ, लिखेंगे मशीन आवरली रेट, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवरली रेट। सबसे पहला ऊपर हेडिंग में आपको बताना है मशीन पूरा साल भर कितना घंटा चला। तो देखो कहाँ पे पॉइंट नंबर, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पॉइंट नंबर 10 में, देखो वर्किंग आवर्स 2000 आवर्स पर एनम, ठीक है ये साल का है पर एनम। अब इसमें आपको दो कॉलम बनाना है, एक आप रुपीस कॉलम बनाओ और एक पर आवर कॉलम बनाओ, एक रुपीस और एक पर आवर। अभी जो बेटा जो मशीन का जो खर्चे होते हैं ना, कुछ फिक्स्ड होते हैं कुछ वेरिएबल। फिक्स को यहाँ पे स्टैंडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग चार्जेस। और कुछ खर्चे ना वेरिएबल टाइप के होते हैं, उसको बोलते हैं रनिंग चार्जेस। अरे यार मतलब मशीन चले या ना चले कुछ खर्चा आने वाला ही, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं मशीन चलेगा तो एक खर्चा होगा, मशीन नहीं चले तो खर्चा भी नहीं होगा। तो हमें ग्रुप बनाना है, एक स्टैंडिंग का दूसरा रनिंग का। ध्यान देना, पहला लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस में लिखेंगे बेटा रेंट। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन रनिंग होता है, डेप्रिसिएशन रनिंग आता है, क्योंकि जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन, असेट्स का लाइफ कम होगा, वो डेप्रिसिएशन है। तो पॉइंट नंबर 3rd वाला रेंट, क्योंकि आपका मशीन चले या ना चले भाड़ा आने वाला है, तो रेंट फिक्स्ड होता है, उसको स्टैंडिंग बोलते हैं। लेकिन सुनो रेंट 900 रुपये दिया है बेटा, हाँ 900 रुपया, और बोलता है ये क्वार्टरली है, साल में होते 4 क्वार्टर, हमको साल का चाहिए, साल का पर एनम चाहिए, तो इनटू 4 करेंगे तो साल का आ गया। लेकिन आपको मालूम है ना आपका जो मशीन है वो कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है? आपका जो मशीन है वो 1/3 एरिया ऑक्यूपाई किया, 1/3 एरिया, समझे बेटा 1/3। बाकी और भी एरिया किसी और का, हम उसका ठेका लेके नहीं बैठे, मशीन 1/3 एरिया ऑक्यूपाई किया तो रेंट का 1/3 करेंगे, समझे बेटा। 900 × 4 × 1/3 करो तो आंसर आएगा करीबन, चेक कर लो 1200 रुपया। नेक्स्ट रेंट के बाद सुपरवाइजर लिखेंगे, सुपरवाइजर बताओ बेटा सुपरवाइजर कितना दिया है? सुपरवाइजर 400 रुपये महीने का दिया है ना, पर मंथ दिया है, तो हमको तो साल का बनाना है, तो इसीलिए इंटू 12 करेंगे। लेकिन रुक जाओ,
वो जो सुपरवाइजर था ना, और भी मशीन को सुपरवाइज करता था, तो इस मशीन को कितना समय दिया उसने, लास्ट का पैराग्राफ में लिखा था 1/4 टाइम, 1/4 टाइम, तो उसका 1/4 ही यहाँ लिखा जाएगा। तो 400 × 12 उसका 1/4 करोगे तो आंसर आएगा 1200। समझे? सुपरवाइजर के बाद जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग वो होता है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो लाइट है ना, जनरल लाइटिंग, मशीन को चलाने के लिए पावर यूज होता है, जनरल लाइटिंग जो घर भीर में चलाते हैं, दैट इज जनरल लाइटिंग। तो जनरल लाइटिंग का बात कर रहे हैं। जनरल लाइटिंग कितना दिया है, 300 रुपये पर मंथ, तो 300 पर मंथ है तो × 12 करेंगे तो साल का आएगा। लेकिन याद से भूल ना जाना, मैंने बोला ना लाइटिंग के लिए भी 1/3 करने का, लाइटिंग के लिए भी 1/3 करना, समझा बेटा, लाइटिंग के लिए भी 1/3। तो रेंट और लाइटिंग के लिए 1/3 करेंगे, भूल ना जाना। तो कितना आता, 300 × 12, इसका 1/3 करोगे तो कोइंसिडेंस 1200 है। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस, बेटा आपका गाड़ी चले, मशीन चले ना चले, इंश्योरेंस आना, जैसे अपना बाइक होता है तो आप साल का इंश्योरेंस कर रहे थे, आप बाइक चलाओ ना चलाओ, इंश्योरेंस तो चालू है ना, इसीलिए उसको स्टैंडिंग बोलते हैं। तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना दिया, 30 रुपये पर मंथ, इसमें कोई झोल नहीं है, × 12 कर दो, तो इंटू करो, आंसर आया था 360। समझा बेटा, इन सबको प्लस करो, 0, 6, 3, 5, 6, 7, 8 और 9 और ये 3960 आता है, 3960 फिक्स चार्जेस है, रुक जाओ, 3960 को इससे डिवाइड करो, 2000 आवर्स से 3960 डिवाइड बाय 2000, आंसर आता है 1.98, मतलब टोटल को डिवाइड करना, टोटल को मतलब एक घंटे का स्टैंडिंग चार्जेस का खर्चा है 1.98 रुपीस एक घंटे का। अब आते हैं दूसरा, कौन सा बनाओगे ग्रुप बेटा, रनिंग खर्चे। रनिंग मतलब मशीन चलेगा तो एक खर्चा आएगा, रनिंग एक्सपेंस, जिसको वेरिएबल भी बोलते हो, रनिंग एक्सपेंसेस। तो सबसे पहला इसमें लिखना है बेटा डेप्रिसिएशन, क्या लिखना है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा रेट वगैरह, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होगा आपका कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट, सुन रहे हो, अगर रेट नहीं दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला ट्राई करना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट। मुझे बताओ रेट नहीं दिया है तो इसका मशीन का कॉस्ट कितना है 11000, स्क्रैप कितना है सेकंड पॉइंट में 1000, और इसका लाइफ कितना 10 साल, तो इसका मतलब एक साल का डेप्रिसिएशन है 1000 रुपया इस मशीन का, क्योंकि मशीन यूज हो रहा है, एक दिन खटारा हो जाएगा। डेप्रिसिएशन के बाद है, उसके बाद है रिपेयर्स। डेप्रिसिएशन के बाद रिपेयर्स मिला 200 रुपये, तो रिपेयर्स भी वेरिएबल होता है, जितना ज़्यादा मशीन चलेगा रिपेयर भी वैसी होगा, तो 200 रुपये, सुनो डायरेक्ट आंसर दिया है पर एनम, तो 200 मूड में आके × 12 मत कर देना, क्योंकि वो पर एनम दिया है। लास्ट पॉइंट खतरनाक, पावर, मशीन को चलाने के लिए पावर यूज होता है, तो पावर के बारे में क्या बोलता है, यही अच्छा पॉइंट है, पावर, पावर में जैसे बताता हूँ वैसे ही करना। सुनो लिखा है पावर पर आवर 4 यूनिट, सुन रहे हो, पर आवर 4 यूनिट, देखते जाना आवर्स और यूनिट, एक घंटे में 4 यूनिट आता है बरोबर, एक घंटे में 4 यूनिट आता है, तो आपने कितना आवर्स चलाया मशीन, आपने कितना आवर्स चलाया, 2000 आवर्स चलाया बेटा, अरे ऊपर देखो टेरिस पे लिखा है 2000, तो 2000 आवर्स चलाया साल में, तो कितना यूनिट्स आएगा उसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2000 × 4 = 8 आंसर 8, आंसर कितना, एक घंटे में 4 यूनिट आता है, एक घंटे में 4 यूनिट, तो 2000 आवर्स से कितना 8000 आएगा, 2000 × 4 = 8000 आवर्स, 8000 यूनिट आएगा, एक घंटे में 4 यूनिट, तो 2000 घंटे में 8000 यूनिट चलेगा मशीन। ये बाहुबली पार्ट वन, जिधर खत्म होता है और एक चालू होता है, और एक लिखने का, यूनिट्स और रुपीस पढ़ो, बोलता है ये वाला पॉइंट पढ़ो, पावर 5 रुपये पर 100 यूनिट, 100 यूनिट का 5 रुपये आता है, तो 8000 है ना, यूनिट्स को यूनिट्स के नीचे लिखो, तो 8000 का बिल कितना आएगा, तो 8000 × 5/100 आंसर आएगा बेटा 400 रुपये, चेक करो, सबको समझा 400 कैसे आया, 400 समझा बेटा, 400 कैसे आया, फिर से देखो,
एक घंटे में 4 यूनिट आता है, एक घंटा मशीन चलता है तो 4 यूनिट आता है पावर का, तो 2000 घंटे में 8000 यूनिट आएगा, ये यूनिट है। तो यूनिट को रुपीस में निकालने के लिए वो बोले हैं कि 100 यूनिट का 5 रुपये बिल आएगा, तो 8000 का कितना आएगा? बाहुबली पार्ट 2 एकदम सिंपल है। तो 8000 × 5/100 करोगे तो आंसर आएगा 400। सुनो, जो रनिंग खर्चे है ना सबको डिवाइड करने का, तो 1000 को 2000 से डिवाइड करो, 1000 / 2000 आंसर आएगा 0.50, 200 / 2000 आंसर आएगा 0.10 और 400 / 2000 आंसर आएगा 0.2। सबको सब आवर्स को प्लस करो तो 1.98 प्लस 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.2 आंसर आता है 2.78। बिंदु डालना, इसको बोलते हैं मशीन आवरली रेट। क्या बोलते हैं? मशीन आवरली रेट। यही हमसे पूछा था कि एक घंटे का मशीन का चार्जेस बता दो, एक घंटे का मशीन का चार्जेस। तो एक घंटे का मशीन का चार्ज कितना बेटा? 2.78। एज्यूमिंग करता हूँ ये लेक्चर समझा कि मशीन आवरली रेट बेटा कैसे निकालना है, एकदम इजी है। जो भी मशीन का खर्चा होते हैं उसको आप दो ग्रुप में बांटो, कुछ स्टैंडिंग कुछ रनिंग। स्टैंडिंग में वो आएंगे, मशीन चले ना चले खर्चा आने वाला है, और रनिंग में फेवरेट 3 पॉइंट है, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स और पावर, ये रनिंग में रहते। ठीक है, एज्यूम करता हूँ लेक्चर समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें अपना फ्रेंड के साथ कॉलेज में। ओके, बाय बाय।